बता दें कि सपा नेता का बयान सामने आया है, आपको बता दें कि कई जो बयान अब सामने आने लगे हैं, और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं जहां सपा नेता का एक और बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है, उन्होंने लखनऊ बेंच में ओबीसी आरक्षण रद्द किया है और इस पर उनका बयान सामने आया है। तो उन्होंने बयान दिया है कि लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण रद्द किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, ओबीसी आरक्षण के बिना ही अब निकाय चुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि इस बीच चर्चा है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। नगर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक भी कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर भी फैसला होगा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी वो शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं देती, वो जाति जनगणना का विरोध करती। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेज को ढीला छोड़ दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आज पेज को टाइट करके बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाने का विरोध करती है, ओबीसी के हक के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। तो आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण रद्द होने के बाद कई दलों के नेताओं की तरफ से बयान भी सामने आने लगे हैं और उन्होंने ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो इसी को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का भी बयान सामने आया, उन्होंने लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण रद्द किया इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और सरकार की आलोचना की है।